दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका एक नए फ्रेश वीडियो में। और आज बात करने वाला हूं न्यू दिल्ली से अगर आप जाना चाहते हैं वाराणसी, तो उसके फेयर चार्ज कितने हैं फ्लाइट्स के। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता होगा कि जी हाँ, न्यू दिल्ली से अगर हमको जाना है वाराणसी तो कितना हो सकता है आज के डेट में टोटल किराया फ्लाइट का। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ और ये भी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे बुक कर सकते हो, सस्ते सस्ता हो रहा है ये फ़्लाइट्स। तो देखते हैं कैसे बुक कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले डिस्टेंस की हम बात कर ले, तो डिस्टेंस है जो है 863 किलोमीटर है न्यू दिल्ली से वाराणसी। तो न्यू दिल्ली से वाराणसी 863 किलोमीटर है और कैसे बुक करना वो चीज़ें हम आगे चलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो अभी, और नए मेहमान हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर देना। यहाँ पर जो मैं वेबसाइट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मेक माई ट्रिप, जो कि काफ़ी सेफ एंड सिक्योर वेबसाइट मानी जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही मेक माई ट्रिप ओपन होता है, यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शंस ऐसे दिखते हैं आपको। अगर फ़्लाइट बुक करना है तो यहाँ पर कब आने जाने दोनों को बुक करना है तो राउंड ट्रिप लगा सकते हो, अगर सिर्फ जाना है तो वन वे लगा सकते हो, मल्टीपल सिटी से भी जाना है तो यहाँ पर मल्टीपल सिटी लगा सकते हो। अब दिल्ली से जाना हमको सीधे वाराणसी, तो यहाँ पर दिल्ली यहाँ पर सिलेक्टेड है या फिर सेलेक्ट कर सकते हो अगर नहीं है तो, और यहाँ पर सीधे सर्च करना है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही आपको दिख जाता है वाराणसी इंडिया। उसके बाद ये देखो फेयर चार्ज है, ये कहीं ना कहीं आज के डेट में बहुत ज़्यादा चार्ज है क्योंकि आज के डेट में कोरोना का दौर चल रहा है। हो सकता है बहुत सारे फ्लाइट्स वन स्टॉप लेकर जा रही हूँ, मतलब कहीं देख दूसरे से दूसरे जगह से जा रही हूँ, तो चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखो मेरे को बुक करना है ये सब, देखो हर एक अलग अलग डेट को अलग अलग प्राइस है, तो कैसे आप वो डिफाइन करना है कि कितना तक आ सकता है। कभी भी होटल सॉरी फ्लाइट चार्ज बुक फ्लाइट बुक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक अपना पहले से ही बुक करो, मतलब एक 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले ही बुक करो ताकि आपको वो सस्ता डील मिल सके। अब जैसे मैं 24 तारीख को बुक कर रहा हूँ, 24 मार्च, यहाँ पर रिटर्न हमको करना नहीं क्योंकि रिटर्न हम नहीं जा रहे हैं, और यहाँ पर ट्रेवल क्लास में हम इकोनॉमिक ले रहे हैं, ठीक है, प्रीमियर नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इकोनॉमिक ले रहे हैं। अब इसके बाद सर्च कर देना है, सर्च करने के बाद वो आपकी फ़्लाइट के जो फेयर चार्ज होगा वो आपको दिखाया जाएगा। ये 10 दिन बाद जो बुक करते हैं तो कहने के वो मैक्सिमम वो प्राइस होता है जो कि अक्सर वो आप मिल वो प्राइस मिलेगा। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे जो फ्लाइट्स हैं वो नॉन स्टॉप्स हैं, बहुत सारे फ्लाइट्स हैं वन स्टॉप पर भी होंगे। अब यहाँ पर देखो जैसे ये इंडिगो की फ़्लाइट्स हैं 15:40 पर चलेगी, 1 घंटा 20 मिनट समय लेगा और 17 बजे आपको ये वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतार देगी। इसका जो फेयर चार्ज है वो है 3822 रुपये, यानी 3800 रुपये मान के चलो। अब यहाँ पर ऊपर ध्यान दो, ये जो बार दिख रहे हैं हर एक डेट को अलग अलग प्राइस है, जैसे 25 तारीख को ये है 4700 रुपये, 26 को है 5000, क्योंकि इधर के आसपास में क्या है कि होली आएगा, तो होली के आसपास का देखो प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आते हो तो देखो सब नॉन स्टॉप पे हैं, सब वही रेट का है। ठीक है, ये समय बस चेंज हो जाएगा, देखो ये 9:15 पे है, 10:40 पे आपको पहुँचा देगी, ये भी फ्लाइट अच्छी है। ये देखो 11:30 पे है, 13:00 1 बजे पहुँचा देगी, 1 घंटा 30 मिनट ये समय लगेगा। इसमें देखो समय भी बताया गया, ये 1 घंटा 20 मिनट पहुँचाएगी, 1 घंटा 25 मिनट पहुँचाएगी, 1 घंटा 30 मिनट में, 1 घंटा 25 मिनट में, इस हिसाब से वो बुक कर। अब देखो ये वन गो एयर का फ़्लाइट्स है, ये मुंबई होके जाएगी, मतलब वन स्टॉप लेकर जाएगी। इसको देखो 8:08 बजे डिपार्चर है, 6:10 में ये पहुँचाएगी आपको, 14:10 पे पहुँचाएगी। इसकी जो टोटल फेयर चार्ज है वो है 5000 रुपये। तो हमें क्यों बुक करना, ये तो तब बुक करना होता है जैसे कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तब आप बुक कर सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो ये देखो इसके जो चार्ज आए हैं 3800 रुपये में आपको डायरेक्ट 1 घंटे 20 मिनट में पहुंचा देगी। तो इसके बारे में कुछ डिटेल अपना देख लो, आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो ये वाला बुक कर सकते हो 4216 रुपये में, जिसमें आपको काफ़ी फ्री सीट्स मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की भी मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको फ़ायदा देती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो ये नहीं बुक करना है हमारे हिसाब से, 1-1.5 घंटे की जर्नी है तो ये सीधे सिंपल सा यहीं बुक कर लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बता दूं कि हमने कुछ अमेजोन्स के लिंक दिए हुए हैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, जो कि ट्रेवल में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, तो उसको ज़रूर देखें वो प्रोडक्ट, जो कि आपको आने वाले समय में या फिर आप कभी भी जा रहे हैं तो वो आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है, तो उसको ज़रूर आप देखें और बुक करें।
तो यहाँ पर देखो बुक नाउ पे सीधे हमें क्लिक करना है। बुक नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे कैसे बुक करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ अब, ठीक है। फ्लाइट चार्ज तो मान लो कि सिंपल सा कि आपको कम से कम 35 सबसे 4,000-4,500 रुपये के आसपास में आज के डेट में आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोरोना का दौर चल रहा है, काफ़ी इसमें फ़्लाइट के चार्जेस वो अप हैं और पेट्रोल के भी चार्जेस अप हैं, तो इसलिए फ़्लाइट के चार्जेस भी अप होंगी। अब यहाँ पर देखो ये पेमेंट की पूरी डिटेल बता देंगे, कब कहाँ कैसे कैसे कितना सरचार्ज चार्ज क्या है, सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद ये पहले देखो टिकट की पूरी डिटेल दी गई है, यहाँ पर अपना जो कैंसिलेशन मतलब टिकट कैंसिल करते हैं तो उसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, सब चीज़ें अपना पढ़ सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। और यहाँ पर देखो ये इंडिगो है, इंडिगो का ये आपका फ्लाइट्स होगा, ये समय दिया गया है, ये डेट दिया गया है, ये आपका जहाँ से उड़ेगी मतलब न्यू दिल्ली से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ेगी, और ये सीधे यहाँ पर से 1 घंटा 20 मिनट लेगा और आपको 17 बजे पहुँचा देगा। कौन सा आप कैटेगरी यूज़ किए हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको पूरी डिटेल, 15 किलोमीटर अरे सॉरी 15 kg आपको लेके जाना है, 7 केबिन में आपको 7 किलो भी लेके जाना है, ये सब चीज़ पूरी डिटेल देखना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है बैग का कुछ चीज़ें तो वो ऐड कर सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये हर समय के साथ बदलता रहता है। क्योंकि आज के कोरोना के दौर में क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जाना है, क्या है चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद नीचे आओगे तो कुछ चीज़ें ऐसी आपको यहाँ पर यस सिक्योर माई ट्रिप, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हो, बस उसके बाद क्लिक करो। आगे ये सब चीज़ें दी गई है, आगे आप अपना 10 रुपये डोनेट कर सकते हो, बस उसके बाद सब चीज़ें देखने के बाद आगे कंटिन्यू टू कर देना है। कंटिन्यू करोगे बस आप अपना डिटेल देना है, डिटेल देने के बाद पेमेंट करना है। आप यहाँ देखो वो जो टिकट की जो चार्जेस थी, अदर सर्विसेज 200 रुपये और बढ़ गई, क्योंकि अदर सर्विसेज में हमें लगता है कि बैग माई ट्रिप की भी सर्विसेज होंगी उसमें। अब ये जो टोटल आपका अराउंड जो आया आपका फेयर चार्ज वो हो गया आपका 4,189 रुपया, ठीक है, यानी कि 4,200 रुपये आपका आ गया टोटल फेयर चार्ज। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आप अगर साइन अप किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं लेगा तो यहाँ पर देखो नाम देना है, लास्ट नाम मेल है या फीमेल, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद कंटिन्यू टू। यहाँ पर आपको कोई मतलब कि एयरपोर्ट पे आपको टैक्सी वगैरह चाहिए तो बुक कर सकते हो, लेकिन कोविड इंश्योरेंस मैं रेकमेंड करूँगा आप ज़रूर लें क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है आपको। बस आगे सब फिलअप करने के बाद बस आगे कंटिन्यू टू पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका टिकट आपके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। बस ऐसे ही बुक करना, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। और वीडियो बताना, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, नए मेहमान तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।